नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सिविल वन जीरो वन में मेरा नाम है संदीप जानी कैसे हैं आप सभी लोग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू हां जी सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी आज के इस सेशन के अंदर दोस्तों बात करेंगे हम वुड और वुड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में इससे पहले हमारे दो सेशन हो चुके हैं जिनके अंदर हमने के बारे में पढ़ा है और साथ ही साथ में उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था ब्रिक और ब्रिक और उसके बारे में हमने पढ़ा है है आगे जो है आज के क्लास के क्लास अंदर हम पढ़ेंगे टेम्बर और वुड के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों और साथ ही साथ में आपको स्केड्यूल बता दें कि मंडे टू फ्राइडे सिविल वन जीरो वन चैनल जो हमारा है उस चैनल के ऊपर हम पढ़ते हैं जो कंप्लीट कोर्स हम शुरू किया है जो हमने यूट्यूब के ऊपर जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स हम कवर कवर करेंगे, करेंगे। सीक्वेंस वाइज थंबनेल के अंदर आपने देखा होगा कि वहां पर आपको सब्जेक्ट का नाम फिर नीचे टॉपिक और साइड में जो क्लास का नंबर है कि कौन सा क्लास नंबर चल रहा है तो वो वन से लेके लास्ट तक वो कंटिन्यूअसली चलेगा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे हर सब्जेक्ट में वो नंबरिंग वन से स्टार्ट नहीं होगी वो जो फर्स्ट क्लास थी वो क्लास का नंबर रहेगा ताकि आप फ्यूचर में भी कभी आप सेशंस देखें तो आप रिलेट कर पाए कि हाँ कौन सा नंबर वन था कौन सा टू थ्री फोर रिलेट कर पाएंगे तो ये हमारी मंडे टू फ्राइडे सिविल 101 चैनल के ऊपर सुबह नौ बजे सेशन हमारे होंगे इसके अलावा एक जो आज हम पढ़ेंगे सुबह उसी का शाम को एक प्रैक्टिस सेशन होगा जिसके अंदर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड ताकि उस टॉपिक को हम रिवाइज कर पाए उस टॉपिक को हम प्रैक्टिस कर पाए और हर वीक क्योंकि हमें हमारा टाइम मैनेजमेंट सीखना है और हमें हमारी जो प्रैक्टिस है उसको जो है मेनटेन रखना है अपनी गलतियां पता करनी है कि कहाँ हम पढ़ाई के अंदर गलतियां करेंगे कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे वीक रह रहे हैं पढ़ने के बाद उनको अगर आपको उनके ऊपर वर्कआउट करना है तो उसके लिए हमें टेस्ट की जरूरत पड़ती है और वो टेस्ट हम वीकली कंप्लीट टेस्ट एक पूरा का पूरा हंड्रेड मार्क्स का जो आपका पूरा टेस्ट होगा उसके फॉर्मेट में हर वीक यानी कि सैटरडे नाइन ए एम हम करेंगे अन की ऐप के ऊपर दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और साथ ही साथ में आप अन अकेडमी के ऊपर जुड़ सकते हैं अन अकेडमी के ऊपर काफी सारे सेशंस जो हैं वो स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में चलते हैं डेली स्पेशल क्लास होती है जिसके अंदर हम अलग टॉपिक्स प्रैक्टिस सेशन टेस्ट जो हैं वो हम करते रहते हैं तो उनको ज्वाइन करने के लिए आपको इनवाइट कोड की जरूरत पड़ती है बस आप संदीप डबल वन इन्वाइट कोड यूज कर सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पर पढ़ रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर भी आपका वो सेम जो है वो रेफरल कोड आपका हो जाएगा आप अगर मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे अन अकेडमी पर तो वहां पर आपको ये सारे कोर्सेज जो है वो दिख जाएंगे और किसी में भी एक पर क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन पर आप क्लिक कर सक करके ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद आपको कोड यूज करना है संदीप डबल वन साथ ही साथ में दोस्तों आप अपना गोल जो है वो इंश्योर कर लीजिएगा आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स की तो आपका गोल जो है वो होना चाहिए एसएससी एग्जाम्स अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तो आपका गोल जो है वो गेट और ई e होना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए वुड की बात करते हैं दोस्तों तो वुड क्या है वुड या टिम्बर जो है इनके अंदर अंतर क्या है इनकी अगर हम बात करें सॉरी

वो हम कह रहे हैं वो वुड हो गया अब वो हमारे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से हमारे इंजीनियरिंग के जो पर्पज हैं उनको अगर वो सर्व कर पाए तो हम कहेंगे कि वो हमारे लिए टिम्बर है वो क्या हो जाएगा वो टिम्बर है तो टिम्बर एक तरीके से ये कह लीजिए इंजीनियर्ड वुड है जो हमारे जो स्ट्रक्चरल पर्पजेज के लिए काम आ सकता है यहाँ पर तो वुड क्या होता है आपको पता है वुड हमें क्यों सही है हमारे लिए अगर कंस्ट्रक्शन पर्पज की बात करें या डे टू डे लाइफ के अंदर अगर हम घर के अंदर कोई भी वुडन आर्टिकल्स बना रहे हैं कोई फर्नीचर बना रहे हैं तो हमारे लिए वो क्यों सही होता है पहली चीज जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होती है उसको फिनिश करने के बाद वो एस्थेटिक लगता है अच्छा लगता है और साथ ही साथ में ड्यूरेबल भी होता है वो वो कैसा होगा ड्यूरेबल भी होगा एज कंपेर टू अदर स्ट्रक्चर्स जैसे कि कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें या फिर बिल्कुल जो मेटेलिक है उनकी बात करें अगर हम तो उनके कंपेरिजन में जो वेट है इसका कम होगा तभी तो हमारे फर्नीचर जो है आप कहेंगे वुड के बनवाते हैं आपने कभी देखा कि कंक्रीट की टेबल बनवा लिया आपने ऐसा नहीं होता है तो वुड जो है वो हार्ड होगा और उसकी फिनिशिंग जो है आप उसको अपनी शेप के अकॉर्डिंग जो है उसको मॉडिफाई कर सकते हो एज कम्पेयर टू कंक्रीट या अदर बिल्डिंग मेटीरियल जो है इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा सुटेबल है ताकि आप इसको जो एडोन्स हैं जो हमारी बिल्डिंग के अंदर आप लगा सकते हैं ऊपर के जो एडोन्स हो जाएंगे चाहे फर्नीचर की बात कर लीजिए फिनिशिंग की बात कर लीजिए वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सो so, वुड जो है एक ऐसा सबस्टांस है जो हार्ड है फाइबर्स रहते हैं इसके अंदर फाइब्रस सब्सटेंस है फाइब्रस सब्सटेंस है जो कि कहां से मिलता है आपका जो ट्री होता है ट्री के ऊपर ट्री का ये जो पोर्शन होता है जिसे हम क्या कहते हैं ट्रंक कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं ट्रंक कहते हैं तो ट्रंक से हमें जो वुड है जो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन लगभग 80 परसेंट जो वुड है वो हमें कहां से मिलता है रंग से मिलता है साथ ही साथ में आप इसको वुड को और कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये नेचुरल पॉलीमेरिक मटेरियल है पॉलीमेरिक मटेरियल मतलब पॉलीमर्स मल्टीपल मोनोमर्स जिसके अंदर होते हैं पॉलीमेरिक मटेरियल है ये जिसको प्रैक्टिकली <laughs> अगर हम बात करें तो विच डज नॉट एज मतलब एज के साथ ये जो है इसकी एज जो है टिम्बर की एज है प्रैक्टिकली बात करें तो विच डज नॉट एज एक ऐसा पॉलीमेरिक टिम्बर जो खराब तो डेफिनेटली होगा ड्यूरेबिलिटी इसकी खराब हो जाती है लेकिन ये एज नहीं होता है तभी तो आप देखते होंगे बहुत सारे फर्नीचर जो है कभी कभी आपको ऐसे फर्नीचर देखने को मिलता है जो बहुत सालों पुराने हैं सालों मतलब अगर उसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया तो वो ये कह लीजिए सौ साल तक भी चलते होंगे आपके दादी माँ के या फिर उनकी जो मदर थी उनके भी कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं ना पुराने जमाने के कोई फर्नीचर है या फिर उनका कोई संदूक है वो अभी तक एज इट इज प्रिजर्व है तो प्रैक्टिकली बात करें तो ये एज नहीं करता लेकिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण ये ये जो रॉट कर सकता है खराब हो सकता है इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो कम होगी की।, की बात करें तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा वुड जो कि आप बिल्डिंग्स के अंदर यूज कर सकते हो जो कि आप कार्पेंट्री में यूज कर सकते हो जो कि आप इंजीनियरिंग पर्पजेज से इस्तेमाल कर सकते हो अब टिम्बर हमें मिलता है पेड़ से ट्री से मिलेगा अब ट्री दो प्रकार के हो सकते हैं एक प्रकार के जो ट्री हैं वो होंगे कौन से एक्सोजिनस एक्सोजिनस जो जो बाहर बाहर की की तरफ तरफ ग्रो करते हैं जो बाहर की तरफ ग्रो करेंगे एक होते हैं एंडोजिनस एंडोजिनस मतलब उनका इंटरनल फाइबर ग्रोथ जो है वो भी ज्यादा होगा इनर ग्रोथ ज्यादा होगी और एंड वाली ग्रोथ जो है वो भी ज्यादा होगी एंड वाली ग्रोथ जैसे कि आप दिन देखा होगा आप गोवा गए होंगे नहीं तो गोवा की प्लानिंग की होगी तो दिमाग में जो है वहां पर आपको पाइन ट्रीज जो है वो आते होंगे दिमाग में तो आपने होंगे कि वो एंड की तरफ चलते जाते सीधे जो हैं सीधे तो इंटरनल और जो growth जो जो हैं हैं उनकी वो वो ज़्यादा होती है। और जो exogenous trees होते हैं वो बाहर की तरफ ग्रो करते हैं। exogenous के फिर दो टाइप आ जाते हैं एक आएगा कॉनिफर कॉनिफर ट्रीज जो है वो सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं या फिर ये कह लीजिए सॉफ्टवुड के अंदर इनकी लेंथ जो है एज कंपेयर टू जो डेसीडस होते हैं वो ज्यादा होते हैं तो जहां पर भी आपको कंस्ट्रक्शन पर्पज के अंदर ऐसे एलिमेंट चाहिए जिनकी लेंथ ज्यादा है वहां आप इनका यूज कर सकते हो एक्सक्यूज में चलिए तो डेड्यूस ट्रीज जो होते हैं वो हार्डवुड होते हैं कॉनिफर सॉफ्टवुड ट्रीज होते हैं कॉनिफर को भी हम यूज कर लेते हैं जनरली लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा हैवी लोड आएगा वहां पर हम इनको यूज नहीं करते हैं जहां पर भी ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर इनका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाएगा तो कॉनिफर जैसा कि नाम बता रहा है कोनिकल शेप या फिर ये कह लीजिए इनकी लीव्स जो है वो पॉइंटेड होंगी निडल लाइक पॉइंटेड होती है कॉनिफर ट्रीज की जो लीव्स होती है और डेसीड्यूस जो है इनकी ब्रॉड होती है ब्रॉड मतलब चौड़ी लीव्स होती है ब्रॉड लीव्स इनकी रहती है अब टिम्बर को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है और इनके क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से इसको किया जाता है 2020 के अंदर यही क्वेश्चन आया था कि जो आप टेस्ट करते हैं टिम्बर का उसका साइज कितना कंसीडर किया जाता है 2020 के अंदर यही क्वेश्चन जो है आपसे पूछा था कि टेस्ट पेसिमेंट जो है उनका साइज जो है वो कितना कंसीडर किया जाता है तो सिक्स हंड्रेड इंटू फिफ्टी इंटू फिफ्टी है स्पेसिमेंस लेंगे और आप उनको ग्राउंड के अंदर बरी कर देंगे ग्राउंड के अंदर आप उनको दबा देंगे कहाँ तक दबा देंगे टू देर हाफ लेंस आधी लेंथ जो है उसको आप दबा देंगे फिर उसके बाद आप उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करेंगे तो हाईली ड्यूरेबल टिम्बर जो होता है हाईली ड्यूरेबल टिम्बर जो होता है उसकी लाइफ जो है वो 10 साल से अधिक होती है ज्यादा होती है मॉडरेटली जो होगा उसकी पांच से दस होगी और कम ड्यूरेबिलिटी का जो कम समय तक चलेगा उसकी पांच साल से कम ड्यूरेबिलिटी होती है एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिम्बर ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि वो कितने समय तक जो है चलेगा कितने समय तक वो खराब नहीं होगा कितने समय तक वो अपना पर्पज सर्व करता रहेगा तो वो टिम्बर की बात करें दोस्तों तो आप स्पेसिमेन कंसीडर करते हैं 600 हंड्रेड इंटू सिक्स हंड्रेड इंटू फिफ्टी फिफ्टी के स्पेसिमेन लेंगे आधी लेंथ तक यानी कि थ्री हंड्रेड एम एम तक आप उसको ग्राउंड के अंदर दबा देंगे फिर उसके बाद आप टाइम टू टाइम उनकी कंडीशन चेक करेंगे तो हाईली ड्यूरेबल टिम्बर जो होता है वो दस साल से अधिक ड्यूरेबल होगा मॉडरेटली ड्यूरेबल जो होता है मॉडरेटली पाँच से दस और उसके बाद लो ड्यूरेबिलिटी का जो टिम्बर होगा वो पाँच साल से कम रहता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मॉडलर्स ऑफ इलास्टिसिटी के हिसाब से अब अब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए लेकिन ये भी हमने पिछले साल भी पढ़ा था टेस्ट पेसिमेंट की बात भी हमने पिछले साल की थी तो पुराने समय के अंदर इन टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आए थे लेकिन 2020 के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो इनको पढ़ना बेहतर रहेगा ठीक है इनको पढ़ना बेहतर रहेगा तो हम कोई भी टॉपिक जो है जो probable होता है कि past में तो नहीं आया लेकिन फ्यूचर में आ सकता है इसकी बात डेफिनेटली दोस्तों हम करेंगे यहां पर तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि इनको इलास्टिसिटी के मॉड्यूल के हिसाब से अगर हम इनको अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो ये हो जाएगा सबसे पहले ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ए बी सी ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको क्लासिफाई करते हैं अगर मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी इनका 12.5 पॉइंट फाइव किलोमीटर पर एम स्क्वायर से ज्यादा है तो ग्रुप ए 9.8 से लेके 12.5 के बीच में है 9.8 से लेके 12.5 के बीच में अगर है तो इसे हम कहेंगे ग्रुप बी और 5.6 से लेके 9.8 के बीच में है तो ग्रुप सी आप इसे बोल देते हैं तो आप इसे ग्रुप सी टेम्बर जो है वो कह देंगे अगर आप देखिए जो भी आप मेन जो हमारी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब की क्लास चल रही है और जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो कर रहे हैं अगर आप वीकेंड जो टेस्ट है वो अगर आप कर रहे हैं इतने भी अगर आप कर रहे हैं तो जेई लेवल के एग्जाम्स के लिए तो मोर देन सफिशियंट है इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो जो भी और एडिशनल स्पेशल क्लासेस होती हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं जो हमारे प्लस कोर्स अभी स्टार्ट होंगे उसको ऑलरेडी सबमिट किया जा चुका है जब वो स्टार्ट होंगे तो उसके अंदर भी आप जो है और एडिशनल आपको एक्स्ट्रा और एडवांस लेवल पे आपको मिल जाएंगे वहां पे ई ए सी क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे हम और थोड़ी हायर लेवल की जो चीजें हैं वो कर सकते हैं लेकिन यूट्यूब और सिर्फ स्पेशल क्लास की भी अगर मैं बात करूं तो जेई लेवल्स के एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है चाहे आप बात कर रहे हैं दोस्तों स्टेट एग्जाम की स्टेट जेई एग्जाम चाहे आप एस की बात कर रहे हैं बस आप मन लगाकर पढ़ लीजिए दोस्तों वही बहुत है अब बात करते हैं दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी जो इजीली अवेलेबल है या नहीं है अवेलेबल इसके बारे में बात करते हैं तो इनको एक्स वाई जेड कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाई कर दिया जाता है जो इजीली अवेलेबल होगा मोस्ट कॉमन होगा उसे हम कह देते हैं एक्स इजीली अवेलेबल तो वो मोस्ट कॉमन अवेलेबल एक्सक्यूज मी फोर्टीन फिफ्टीन मीटर क्यूब मोर या फिर इससे ज्यादा हो मतलब कम से कम चौदह मीटर क्यूब इतना अवेलेबल हो हर एक साल या इससे ज्यादा अवेलेबल अगर है तो आप उसे कहते हैं एक्स जो आपका एक्स ग्रेड का आप उसे टिम्बर कह देंगे वाई के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आप इसे कहेंगे कॉमन वो था मोस्ट कॉमन ये कॉमन हो गया ये 355 से लेके 1415 के बीच में होगा और 355 से अगर कम हुआ तो आप कह देंगे कि लेस कॉमन एक साल में अगर आपको 355 मीटर क्यूब से कम टिम्बर अगर मिलता है तो ऐसे टिम्बर को आप कहेंगे लेस कॉमन टिम्बर या फिर Z जो क्लासिफिकेशन का टेम्बर अगर आप कहेंगे 355 से लेके 1415 तो कॉमन और मोस्ट कॉमन 1415 मीटर क्यूब से ज़्यादा या उसके बराबर वाला जो टेम्बर होगा वो हम कह देते हैं अब ये अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये डेटा दिया जाता है अलग अलग फोर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग तो जेनरिक जो डेटा है आपके पास वो ये वैल्यू है ये हो सकता है किसी कंट्री स्पेसिफिक अलग भी वैल्यूज जो हैं हो सकते हैं ये अब बात करते हैं दोस्तों टिम्बर जो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा ही जाता है जो, जो क्वेश्चन e में या एसएससी में भी अक्सर देखा ही गया है तो जो आपको पेड़ दिखाई देता है उसे आप क्या बोलते हो उसे आप कहते हो स्टैंडिंग टिम्बर कहते हो उसे आप क्या कहते हो स्टैंडिंग टिम्बर जो पेड़ खड़ा है जो अभी जीवित है यानी कि लिविंग ट्री जो है उसे आप क्या कहेंगे उसे आप स्टैंडिंग टिम्बर कहते हैं उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लॉग्स जब आपने इस टिम्बर को इस पेड़ को जब आपने काट दिया इस पेड़ को काटने के बाद क्या होगा यहां पर पेड़ को काटने के बाद ये रफ टिम्बर है अभी भी आपने इसको मॉडिफाई नहीं किया उसको आपने शेप नहीं दी जो आप स्ट्रक्चरल परपजेज में इसको यूज कर पाओगे तो अभी ये कैसा टिम्बर है ये रफ टिम्बर है या इसे आप क्या कह देते हो लॉग्स ऑफ वुड की फॉर्म में आप कह देते हो तो ट्री को काट दिया गया ट्री को गिरा दिया गया फेल कर दिया गया उसको तो इट इज अ पार्ट ऑफ फेल्ड ट्री जो पेड़ गिर गया उसको आप क्या कहेंगे उसको आप रफ टिम्बर कहते हैं फिर उसके बाद आता है दोस्तों आपने उसको क्या कर दिया शेप कर दिया उसको आपने फिनिशिंग प्रोवाइड कर दी आपने उसको क्या कर दिया एक इस तरीके से प्लैंक्स की फॉर्म में आपने उसको कन्वर्ट कर दिया तो इसे आप क्या कहते हो ल्यूम्बर कहते हो जब आपने इसको काट के इसको सो करके इसको शेप दे रखी है तो आप इसे क्या कहेंगे ल्यूबर कहेंगे तब आप इसे क्या कहेंगे ल्यूम्बर कहेंगे क्लियर इतना समझ में आ रहा है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद बात आती है दोस्तों आउटवर्ड जो ग्रो करते हैं जो ट्रीज होते हैं जो आउटवर्ड ग्रो करते हैं ट्रीज जो होते हैं आपके वो उनके बारे में क्या क्या खास बातें हैं इनके बारे में डिस्कस करते हैं तो एक्जोजिनस आप इस ट्री को अगर आप देखेंगे तो आपको एक तरीके से याद रहने लग जाएगा एक्जोजिनस मतलब आउटवर्ड ग्रो करते हैं जैसा आपको यहां पर इसके अंदर दिखाई दे रहा है क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगा पहली बात यह है दूसरी बात यह है कि ये ये ट्रीज जो होते हैं और इनके अंदर भी बात करें अगर हम कॉनिफर ट्रीज जो होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं यहां पर ठीक है ये कैसे ट्रीज बोलते हैं हम इनको एवरग्रीन मतलब इनके पत्ते जो हैं हमेशा आपको दिखाई देंगे यहां पर ये जो पुराने होंगे जो डेड हो जाएंगे वो गिर जाएंगे नए ग्रो करते रहते हैं तो ये एवरग्रीन ट्रीज हम बोलते हैं अगर कॉनिफर ट्रीज की हम बात करें एक्सोजीनस ट्रीज के अंदर यहां पर ये जो ट्री है के अंदर फिर से बात करें तो ये शेप के इनके फ्रूट्स होंगे या जो इनकी लीव्स हैं वो भी शेप की होंगी नीडल पॉइंटेड होंगी ये तो इसीलिए अलोंग देअर हॉरिजोंटल सेक्शन इनका जो हॉरिजोंटल सेक्शन है इस हॉरिजोंटल सेक्शन के अलोंग सर्कुलर रिंग्स होती हैं ये जो आपको सर्कुलर रिंग्स दिखाई दे रही हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं एनुलर रिंग्स बोलते हैं या एनुअल रिंग्स भी हम इनको बोलते हैं जो एनुअली बनती रहती हैं तो एनुअल रिंग्स या एनुलर रिंग्स जो होती हैं इनसे हम क्या करते हैं ट्री की एज को डिटरमिन करते हैं अब ट्री की एज जो है वो कैसे डिटरमिन होगी थोड़ी सी देर में इसके ऊपर भी हम बात करेंगे दोस्तों तो एग्जोजीनस ट्री जो है वो आपके इंजीनियरिंग पर्पजेज के लिए जो काम आते हैं जो इंजीनियरिंग पर्पजेज के लिए यूज होते हैं वो एग्जोजीनस ट्रीज जो है यूज होते हैं दे प्रोवाइड हार्ड वोड डेफिनेटली हार्डवुड प्रोवाइड करते हैं वो अब आते हैं इसमें कॉनिफर सॉफ्टवुड होते हैं इतनी बातें देखो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ रहे हैं ये चीजें जो हम ऑलरेडी डिटेल में है बस जनरली अगर आपसे पूछा जाए कौन से ट्री यूज करेंगे इंजीनियरिंग पर्पज के लिए एक्सोजिनस ट्री यूज करेंगे एक्सोजिनस में भी कौन से ज्यादातर यूज होते हैं जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है यूज होंगे

जो ट्री है उसकी नरिशमेंट जो है वो ज्यादा मूव करती है उसके अंदर जो उसके रूट है जब स्प्रिंग आता है तो उस समय क्या होता है कि वो रूट से अपनी रूट से अपनी जड़ों से प्लांट के लिए न्यूट्रिशन जो है वो सक करते हैं वहां से खींचते हैं न्यूट्रिशन को वो तो वो न्यूट्रिशन का जो मूवमेंट है सैप का मूवमेंट जो है वो ज्यादा किस वक्त रहता है वो रहता है स्प्रिंग और ऑटम के वक्त तो उस वक्त जो है हमें पेड़ को नहीं काटना चाहिए अगर उस वक्त आप पेड़ को काटेंगे तो उसमें वो न्यूट्रिशन और उसके साथ जो प्रेजेंट मॉइस्चर है वो रह जाएगा और अगर मॉइस्चर उसमें ज्यादा रह गया तो वो ट्री को डीके कर देगा उसको खराब करना शुरू कर देगा डीकेइंग ऑफ दैट ट्री वुड अकर तो इसीलिए हम उसको उस टाइम उस टाइम जो है अवॉइड करते हैं

एग्जाम्पल की बात करें साल टीक ओक बबूल जो हैं ये डेसिडस ट्रीज के एग्जाम्पल हैं एंडोजिनस की बात करें तो एंड ग्रो करते हैं ये यानी कि अगर हम बात करेंगे जैसे आपके पास पाम ट्री है Endwards. Ends की तरफ ये ज्यादा ग्रो करेंगे और इनवर्ड ग्रो करेंगे endward ग्रो करेंगे और इनवर्ट ग्रो करेंगे inward की बात करें तो इनके फाइबर्स ग्रो कर रहे हैं मतलब इनकी लेंथ जो है ये बढ़ती जाएगी साइडवेज ग्रो नहीं करेंगे एंड की तरफ ये ग्रो करते हैं तो दीज आर द ट्रीज विच ग्रो इन बल्क इन एंडवर्ड डायरेक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ फाइबर फाइबर्स प्रेजेंट होंगे इनके अंदर थ्रू आउट देयर लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन फाइबर होंगे ये तो आउटवर्ड ग्रो नहीं करेंगे एंडवर्ड ग्रो करेंगे या इनके जो फाइबर्स है वो इन इन साइड जो है इनके वो ग्रो करेंगे यहां पर वुड ऑप्टेन फ्रॉम दीज ट्रीज हैव लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लिमिटेड से एप्लीकेशन होंगे इनके जहां पर भी बात करें अगर आप क्या फोल्डिंग वगैरह की बात करें तो वहां पर हो सकता है इनका यूज आ जाए जहां पर इनकी लेंथ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो बेंबू केन हो गया पान ट्री हो गया ये कुछ एग्जाम्पल है किसके एंडोजिनस ट्री के एग्जाम्पल है अब ट्री के स्ट्रक्चर को समझते हैं जहां से ज्यादातर सवाल जो है वो पूछे जाते हैं ट्री के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ट्री का जो स्ट्रक्चर है आपने पेड़ जो है सभी ने देखा ऐसा कुछ तो है नहीं कि हम एलियन है बाहर से हैं, हमने पेड़ नहीं देखे प्री जो है सभी ने देखा है जो उसका टॉप मोस्ट पोर्शन जो होता है जहां पर लीव होती हैं या फिर जहां पे आपको ग्रीन पोर्शन दिखाई देता है जहां तक का उसे हम कहते हैं क्राउन कहते हैं उसे हम क्या कहते हैं क्राउन कहते हैं जैसे कि राजा जो होता है उसके सर पे जो मुकुट होता है उसे हम कहते हैं ना क्राउन सेम तरीके से यहाँ पर पेड़ का जो टॉप मोस्ट पोर्शन है जो वो क्या हो जाता है यहाँ पर क्राउन कहलाता है और क्राउन जो है उसके अंदर ज्यादातर ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी लीव प्रेजेंट होंगी ग्रीन वाला पार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा

ट्रंक ही वो पोर्शन है जिससे मेजोरिटी जो तना है इंजीनियरिंग के लिए टिम्बर की बात कर रहे हैं हम पेड़ को काटने की लेकिन ध्यान यह भी रखना चाहिए कि आज के टाइम पे जहां पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो पा रही है ठीक है लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है लोगों की जिंदगी पे बात आ गई है जो काम सरकारें कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि साइंटिस्ट जो हैं वो जितने लोगों को ऑक्सीजन चाहिए उसको प्रोवाइड करने में अभी कैपेबल नहीं है क्यों क्योंकि आर्टिफिशियली जनरेट करना बहुत मुश्किल है बहुत कॉस्टली भी पड़ रहा है यहाँ पर वो काम फ्री में हमें पेड़ करके देते हैं तो अगर आप एक पेड़ काटने की सोचते हैं तो आपको दस पहले लगा देने चाहिए फॉर फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन्स तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ ट्री समझ में आ गया होगा ट्रंक वो पोर्शन है जहाँ से 80% ऑफ द वुड हमें मिलता है रूट्स वो पोर्शन है जहाँ से क्या करेंगे रूट्स न्यूट्रीशन प्रोवाइड करेंगे जो ट्री को न्यूट्रीशन प्रोवाइड होगा वो कहाँ से प्रोवाइड होगा रूट्स से प्रोवाइड होगा रूट जो है वो सॉइल से यहाँ पे सॉइल प्रेजेंट रहेगी नीचे सॉइल से वो क्या करेंगे जो भी न्यूट्रिएंट उनको चाहिए वो वो कैरी करेंगे मॉइस्चर जो चाहिए पानी जो चाहिए वो वहां से रूट जो हैं वो ऊपर तक पहुँचाती हैं अब अगर पेड़ को काटा जाए और इस ट्रंक को यहां से इस ट्रंक को काट दिया जाए और इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखा जाए तो वो क्रॉस सेक्शन हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है वो क्रॉस सेक्शन हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है और इससे हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है इस क्रॉस सेक्शन के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको सीक्वेंस में पूछता है कि सबसे सेंटर में कौन फिर उसके बाद कौन फिर उसके बाद कौन और सबसे आउटर में कौन तो इस तरीके से आपसे पूछता है तो आपको याद रखना है सबसे सेंटर में आता है पित सबसे सेंटर में यहां पर दिखाई देता है आपको पिथ दिखाई देता है उसके बाद आता है हार्टवुड उसके बाहर की जो वुड है वो आपको दिखाई देती है हार्टवुड फिर उसके बाद आएगी आपके पास सैपुड फिर कैम्बियम लेयर लेयर और कैम्बियम के बाद में क्या आ जाता है आपके पास जो बार्क होती है जो बाहर की जो छाल होती है बार्क जो होती है जो ट्री को एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है वो क्या होती है बार्क तो आउटर बार्क और इनर बार्क जो है वो आ जाती है तो जल्दी से तीन बार इसको रीड कर लीजिए Excuse me. जल्दी से तीन बार इसको रीड करिए जल्दी से रीड करिए इसको ये लाइन आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है पूछते हैं आपसे वाईफाई स्टडी में क्लासेस होंगी दोस्तों वहाँ पे टेस्ट सेशन या कुछ स्पेशल जो है वो होंगी हाँ ये क्लास आप गेट गेटीएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं दोस्तों लेकिन आपको जो सच्चाई है वो बताना भी तो जरूरी है ना मैं ये कह दूं कि सिर्फ ये क्लास ले लो गेट टी सब कुछ हो जाएगा लेकिन प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी उस लेवल के क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे कंटेंट जो है वो यही रहेगा और मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलूंगा कुछ छुपाऊंगा नहीं आप ये देख लीजिए कि अगर आप सिर्फ जेई एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेबस जो है इतना होता है इतना पोर्शन आपको पढ़ना होता है फिर उसके बाद अगर आप ए लेवल पे जाते हैं तो थोड़ा सा एडिशनल पोर्शन जो है वो इतना इंक्रीज हो जाता है फिर उसके बाद अगर आप गेट पोर्शन पे जाएंगे तो गेट पोर्शन के अंदर कुछ और सिलेबस जो है वो आ जाएगा फिर उसके बाद का अगर आप बात करेंगे, तो में ये आप कह सकते हैं ये जो भी आप करेंगे, उनका आप लीजिए कवर होगा आपको भी करवाऊंगा देखेंगे और आपसे होंगे लेकिन कुछ जो डेफिनेटली ऐसा रहता है दोस्तों चाहे आप कोई भी कोचिंग में चले जाए चाहे आप कहीं भी चले जाए हंड्रेड तो चीजें जो है कहीं भी कवर नहीं होती है और आपने यह भी देखा होगा कि टॉपर्स के मार्क्स देख लीजिए हंड्रेड परसेंट मार्क्स तो किसी के भी नहीं आते हैं कट ऑफ कितनी जाती है

तैयारी अगर आपको करनी है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है तो वो रोल यही है कि प्रैक्टिस करनी है आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप अपने रिजल्ट के नजदीक पहुंचेंगे हाँ जे यही यही एग्जाम के लिए पढ़ना है जितना यहां पे करवाया जा रहा है उतना कर लो जितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उतना कर लो सफिशियंट हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं आपने फाइननेस टेस्ट सिर्फ दो बताए थे थर्ड पूछा हुआ था ऐसा मत करो प्लीज़ आप ना ऐसा आप मत करो प्लीज़ आप सारी क्लासेस देख लो फाइननेस टेस्ट मैंने कहाँ कहाँ करा रखे हैं बिल्डिंग मटेरियल्स में करवा रखे हैं मैंने हाईवे के अंदर करवा रखे हैं आप एक बार सारी क्लासेस तो उठा के देखो सॉइल मैकेनिक्स में बता रखे हैं तो आप सारी क्लासेस नहीं करोगे उसके बाद टीचर को आपको बोलोगे मैंने क्वेश्चंस आपको सारे और जो भी एनालिसिस हैं वो वीडियोस देख लो जाके आप मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर लिया ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं जबरदस्ती बोलूंगा ये वाला चीज़ मैंने पढ़ाया है आया है जो नहीं पढ़ाए जो, पढ़ा जो नहीं आए मैं हमेशा बोलता हूँ टेन परसेंट ऐसा पोर्शन रहता ही रहता है जो नया आएगा कुछ ऐसा होगा लेकिन फाइननेस वाले सारे बता रखे हैं आप बता देना कौन सा नहीं आया चीजें नहीं होती है वो डेफिनेटली मैं आपको जो भी एनालिसिस की वीडियो अगर आपने देखी है तो मैंने लास्ट में बताया ये ये क्वेश्चंस वो थे जो हमने नहीं पढ़ रखे आउट ऑफ द बॉक्स आए हैं या नया आया है इस बार टॉपिक तो वो चीजें रहती हैं डेफिनेटली और फाइननेस रिलेटेड ये सारे बेसिक टॉपिक है दोस्त ये तो सब हुए हैं अब एक चीज पकड़ के बैठ जाओ बाकी जो है उसको नेग्लेक्ट कर दो चलो छोड़ो ये सब बात करते हैं दोस्तों पिथ की पिथ जो है वो ट्री का सेंट्रल पोर्शन होता है पित जो है वो ट्री का सेंट्रल पोर्शन होता है सेंट्रल पोर्शन या फिर ये कह लीजिए पित के अंदर होता है और जब प्लांट जो है जो प्लांट होता है वो जब यंग है उस वक्त प्लांट जब यंग है उस वक्त क्या होता है वो ट्री को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो क्या करता है उसका पालन पोषण करता है तो का काम क्या है प्लांट की यंग एज के अंदर जब प्लांट बिल्कुल यंग है जब वो बच्चा है उस वक्त वो क्या करेगा उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और सबसे सेंट्रल पोर्शन ये होता है जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा वैसे वैसे डीके हो जाता है वैसे वैसे उसकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है उसके बाद क्या होगा वो मतलब आप ये कह लीजिए हार्ड बन जाएगा या सॉलिड जो है वो बन जाएगा यहां पर हार्डवुड क्या होगा हार्टवुड इसके अराउंड सराउंड करने वाली पित्त के अराउंड वाली जो वुड है ये क्या कहलाएगी हार्डवुड होगी ये पोर्शन वो ट्री का वो पोर्शन है जो हार्ड है जो डेड हो गया है ये ट्री की ग्रोथ में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है ये सिर्फ और सिर्फ उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ट्री खड़ा रहे सफिशियंटली वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ये क्या कर रहा है उसको एक बात बताओ आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है या यही करना है चैट में बस यही सारी करना है या तो ये कर दू मैं फिर चैट वैट पढ़ना बंद कर देते हैं दोस्त है ना क्यों कर रहे हैं क्यों मैं वैसे मार रहा हूं फिर चैट फिर वन वे चलेगा, सब कुछ पढ़ाते जाएंगे सब ये करते जाएंगे पढ़ने वाले दोस्त जो है, वो होते हैं हैं वो ज्यादा होते पढ़ने वाला बच्चा मुझे नहीं लगता कि कभी वो वो चैट में आता भी होगा या फिर वो जनरली कम ही कमेंट करते हैं वो आएंगे पढ़ेंगे आराम से जाएंगे बाकी इधर उधर की बातें करनी है टाइम पास करना है दोस्तों तो उसके लिए तो हमारे पास और बहुत सारे सोर्सेज हैं वहां क्यों नहीं कर लेते हम तो पढ़ाई पे ध्यान दो अभी इधर उधर की बातों पर नहीं हार्डवुड पे आते हैं हार्डवुड जो है वो क्या होगा हार्डवुड हार्डवुड है जो कि डेड पोर्शन हो चुका है हार्ड वाला पोर्शन जो डेड हो चुका है और ये ट्री की ग्रोथ के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा लेकिन ट्री को ये स्टेगनेंट बनाए होने में ट्री की फर्मनेस बनाने के लिए ट्री को खड़ा रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ये उसको रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है ट्री जो है उसको खड़ा रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है

Cambium, इनको हम क्या कहते हैं? Outer Rings और ट्री की ग्रोथ के अंदर यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इट प्लेज एक्टिव रोल इन द ग्रोथ ऑफ ट्री नेक्स्ट देखें अगर तो दोस्तों आपके पास आ जाता है कैम्बियम लेयर कैम्बियम लेर क्या करेगी यहां पर जो सैप कन्वर्ट होता रहता है सैप वुड के अंदर वो क्या होगा यहां पर

तो कैम्बियम वो खत्म होने शुरू हो जाएंगे उनकी सीजरिंग होनी शुरू हो जाएगी वो कटने शुरू हो जाएंगे खराब होने शुरू हो जाएंगे सीजरिंग ऑफ सेल हो जाएगी यहां पर और उसके कारण क्या होगा धीरे धीरे ट्री की डेथ हो जाएगी यहाँ पर ट्री की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है तो ये आपके जो है मेन मेन पोर्शन है एक और बच गया मेडुलरी रेज मेडुलरी रेज की बात करें तो मेडुलरी रेज जो रेडियल डायरेक्शन में जो रेज चलती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं मेडुलरी रेज कहते हैं तो मेडुलरी रेज को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये एक अलग अलग रिंग्स मान लीजिए आप एक रिंग ये हो गई फिर इसके अंदर वाली जो है एक रिंग तो ये फिर एक रिंग ये हो गई इसके अंदर एक रिंग जो है यहां पर ये बन गई फिर और रिंग बन गई तो ऐसे जो रिंग्स बनती जा रही हैं, हर साल एक एक रिंग जो है वो फॉर्म होती जाएगी वो जो रिंग्स बनती जा रही हैं, इन सबको ज्वाइन करवाने का काम कौन कर रहा है इन सबको ज्वाइन करवाने का काम जो कर रहा है वो कर रही है मेडुलरी रेज मेडुलरी तो रेज जो है वो इन सबको ज्वाइन करवा रही है यहां पर तो ये क्या करेगी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी इस क्रॉस सेक्शन को ये क्या करेगी करेगी पर इसको strength provide करेगी। तो रेडियल डायरेक्शन में जो फाइबर चल रहे हैं पिथ से लेके कैम्बियम लेयर तक जो इन सारी लेयर्स को इन सारी लेयर्स को या इन सारी रिंग्स को जो बाइंड करके रख रहे हैं तो ये क्या कहलाता है ये मेडुलरी रेज जो है वो कहलाती है तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इस सेक्शन में अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है मेडुलरी रेज प्रोवाइड करती करती हैं बार्क की की बात ऑलरेडी हम कर चुके जो बाहर छाल है है वो सेफ्टी अब बात आती है दोस्तों जो हम लेयर्स की बात कर रहे हैं ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो सारी चीजें जो हैं वो क्या है इनकी बात कर लेते हैं कि जो ट्री की ग्रोथ है वो कैसे हो रही है कैसे हम कहते हैं कि एनुलर रिंग्स फॉर्म हो गई कैसे हम कहते हैं कि एज ऑफ ट्री जो है वो <coughs> एज ऑफ ट्री जो है वो कैसे पता कर रहे हैं मैन्यूलर रिंग से तो बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि जो स्प्रिंग होता है जो 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 स्प्रिंग स्प्रिंग का का सीजन होता है है के अंदर ट्री जो है, वो सबसे ज्यादा ग्रो करेगा उसमें जो सैप मूवमेंट है जो रूट्स हैं उसकी स्प्रिंग सीजन के अंदर वो क्या करेंगी रूट्स न्यूट्रिशन को कैच करना शुरू कर देंगे उनको सक करना शुरू कर देगी खींचना शुरू कर देगी जो स्प्रिंग में रूट्स है ट्री की वो न्यूट्रिशन लेना शुरू करेंगे फूड अपना खाना जो है वो अपना खींचना शुरू कर देंगे और ट्री को प्रोवाइड करेंगे यहां पर अब वो ट्री के अंदर ट्रंक में जाएगी ट्रंक से फिर आगे ब्रांचेस में जाएंगी ब्रांचेस से लीव्स के अंदर जाएगी ट्री जो है वो फल फूलने लग जाएगा यहाँ पर तो सैप जो है जिसे हम क्या बोलते हैं जिससे ट्री को न्यूट्रिशन मिलता है सैप क्या है जिसके अंदर मॉइस्चर भी रहता है न्यूट्रिशन भी रहता है तो सैप कंटेन्स मॉइस्चर जो कि इवेपोरेट हो सकता है जो कि इवेपोरेट हो सकता है यहां पर

इट डिसेंड एंड डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर बिलो द बार्क बार्क जो है बाहर की जो छाल है उसके नीचे डिपॉजिट होना ये शुरू हो जाता है जिसे हम क्या बोल देते हैं कैम्बियम थी है हमने यहां पर तो कैम्बियम लेयर की फॉर्म में ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है सैड डिसेंड्स एंड डिपोजिट इन ऑफ अ लेर बिलो द बार्क दिस लेयर इज रेफर्ड टू एन कैम्बियम ले क्या बोल देते हैं कैम्बियम लेर और धीरे धीरे ये क्या होने लग जाती है हार्ड होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे ये हार्ड होनी शुरू हो जाती है दिस एंड एड्स लेयर ऑफ 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 वुड टू द द आउटसाइड ट्री एवरी ईयर इन फॉर्म कंसेंट्रिक रिंग्स हर साल क्या होगा सैप आया। सैप आया धीरे धीरे क्या होगा ट्री को ग्रोथ प्रोवाइड करेगा ट्री को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है जैसे जैसे वो ट्री को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है वैसे वैसे हर साल ऑटम के अंदर वो सैप जो है ये बाहर वाली जो लेयर है जिसे हम कह देते हैं कि बार्क आउटर जो प्रोटेक्टिंग लेयर है बार्क उस प्रोटेक्टिंग लेयर के अंदर जाके ये सैप जो है यहां पर क्या होने लग जाएगा डिपॉजिट होने लग जाएगा जिसे हम क्या कह देते हैं कैम्बियम लेयर के फॉर्म में हम बोल देते हैं तो कैम्बियम लेयर ये जो है फॉर्म करने लग जाएगा और ये एक रिंग बना देगा तो इसीलिए हम कहते हैं कि एज ऑफ प्रियम किससे डिटरमिन करते हैं एज ऑफ प्रियम डिटरमिन करते हैं इन एनुलर रिंग से कितनी आपको रिंग्स दिखाई दे रही हैं तो हर साल एक रिंग फॉर्म हो रही है तो ट्री ऑफ एज ऑफ ट्री की आप बात करेंगे तो एनुअल रिंग्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग आप जो एज ऑफ ट्री बता सकते हैं आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट तो आप बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर अब पेड़ को एज सच तो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं देखो प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर की बात करें तो ट्री को आप डायरेक्टली तो यूज कर नहीं सकते हैं तो ट्री को आपको जो यूज करना है उसको किस प्रकार से यूज करना है आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करेंगे उसकी शेप को चेंज करेंगे कौन सा पोर्शन ट्री का आपको यूज करना है उसको आप चेंज करेंगे काटेंगे उसको सूटेबल शेप देंगे उसको और ऐसे नहीं है कि सिर्फ काटने के बाद उसको डायरेक्टली यूज कर लिया आपको पता है उसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट रहेगा और ट्री के अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो धीरे धीरे उसको खराब करता है उसको डिटेरियोरेट करेगा उसको सड़ाने लग जाएगा उसको डीके करने लग जाएगा वो तो उसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इसीलिए हम क्योंकि अगर आप डायरेक्टली यूज कर लेंगे ना जो भी टिम्बर है उस टिम्बर को अगर आपने डायरेक्टली यूज कर लिया जिसमें मॉइस्चर है तो वो ज्यादा टाइम चलेगा ही नहीं जिसे आप बोल देते हैं ना गीली लकड़ी आपने कॉमन टर्म में सुना होगा तो आपके घर में मान लीजिए कोई फर्नीचर बनना है आप घर बनवा रहे हैं तो उस वक्त क्या हो जाएगा जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर वन सेकेंड चलिए तो प्रोसेसिंग में बात कर रहे थे हम प्रोसेसिंग ऑफ की बात कर रहे थे तो आप उस ट्री को जो जिसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो आप हम डे टू डे लाइफ के अंदर अगर आप घर बनवा रहे हैं या कोई भी फर्नीचर का काम करवाते हैं और आपके पास खुद की आपका खेत है या फिर जहां भी आपके पास खुद की वुड है तो आप उसको कटवाने के बाद कॉमन टर्म आपने सुनी होगी वो बोलते हैं कि अभी ये लकड़ी गीली है इसको पड़े रहने दो उसको काफी टाइम तक जो है ऐसे ही पड़े रहने देते हैं तो वो हम क्या करवा रहे हैं वहां पर हम उसकी सीजनिंग करवा रहे हैं उस मॉइस्चर कंटेंट को एयर ड्राइंग के थ्रू हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो टिम्बर जो है वो ड्यूरेबल रहे लंबे समय तक वो चले वो खराब ना हो तो यही हम करवाते हैं यही हम करवाते हैं ठीक है अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा प्री को काटो फिर उसके बाद उसकी सीजनिंग कराओ मॉइस्चर को हटाओ फिर उसके बाद उसको सूटेबल शेप दो जिस शेप में आपको वो चाहिए या कैसे आपको उसको यूज करना है फिर उसके बाद इतने में बात खत्म नहीं हो जाएगी कि उसको काट के यूज कर लिया उसको ड्यूरेबल भी बनाना है उसको ड्यूरेबल भी बनाना है कि वो कितने समय तक वो चल सके ज्यादा से ज्यादा समय तक वो चल सके एनवायरमेंट के इफेक्ट के कारण पंजाई के इफेक्ट के कारण वो खराब ना हो तो इसको ड्यूरेबल बनाना है अगर तो हमें उसका प्रिजर्वेशन करना पड़ेगा तो आप एक बार इमेज देख लीजिए इन चारों प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर पहले पेड़ को काटा जाएगा फिर उसके बाद उसकी सीजनिंग करवाई जाएगी इसमें से मॉइस्चर को हटाया जाएगा सैप को रिमूव किया जाएगा फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे उसको शेप देंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे उसका प्रिजर्वेशन करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे उसका प्रिजर्वेशन हम उसका करेंगे प्रिजर्व करेंगे ताकि वो ड्यूरेबल रहे अब सबसे पहला प्रोसेस आ जाता है पेड़ को काटना तो ऐसे नहीं है कि जब मन किया और जल्दी है पेड़ को काटने के लिए ऐसे नहीं कर सकते हम हमें इंश्योर करना होगा कि हम सही वक्त पर काट रहे हैं सही वक्त का मतलब क्या हुआ सबसे पहली चीज तो हो गई कि आप जो है यंग ट्री को नहीं काटेंगे जो यंग ट्री होगा वो जल्दी डीके हो जाएगा क्योंकि वो क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत ज्यादा है सैप बहुत ज्यादा है तो वो जल्दी डीके हो जाएगा अगर आप बात करेंगे दोस्तों बहुत पुराना ओवर मेच्योर ट्री हो गया है बहुत ज्यादा मेच्योरिटी से भी बहुत ज्यादा लंबा समय उसका हो चुका है तो वो वुड धीरे धीरे अपने आप ही खराब होना शुरू हो जाती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण अपने आप ही वो डीके हो जाती है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी अगर अंडर मेच्योर ट्री है बहुत ही यंग ट्री है तो उसके अंदर सैप वुड मिलेगी जो कि ज्यादा समय तक चल नहीं पाएगी तो आप सूटेबल एज जो है ट्री की उसके ऊपर 50 से 100 साल जनरली हम कंसीडर करते हैं उस सुटेबल एज के ऊपर हम ट्री जो है उसको काटेंगे यहां पर ट्री को काटा किस प्रकार से जाए इस प्रकार से काटा जाए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वुड आपको मिले मैक्सिमम से मैक्सिमम वुड आपको मिलेगी तो आप क्या करेंगे यहां पर आप उसको काटेंगे ग्राउंड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर से ग्राउंड के जस्ट थोड़ा सा ऊपर से आप उसको ट्री को काटेंगे ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम वुड आपको मिल पाए नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो ऑटम और स्प्रिंग दो ऐसे वक्त हैं जिस वक्त सैप का जो मूवमेंट है वो क्या होगा यहां पर मिनिमम होगा मैक्सिमम होगा सैप का मूवमेंट ऑटम के वक्त और स्प्रिंग के वक्त जो है वो मैक्सिमम होता है तो इन वक्तों में हम अवॉइड करते हैं उनको उस वक्त में हम क्या करेंगे अवॉइड करेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ऑलरेडी कि स्प्रिंग के अंदर तो रूट्स जो है वो क्या कर रही हैं स्प्रिंग में रूट्स जो है, वो मॉइस्चर को न्यूट्रिएंट को सैप को वो एब्सॉर्ब कर रही हैं सॉइल से और ऑटम के अंदर वो कन्वर्ट हो जा रहा है कैम्बियम लेयर में वो कन्वर्ट हो रहा है उसकी फॉर्म में वो स्टोर हो जा रहा है वहां पर तो इन दोनों वक्त पर मॉइस्चर कंटेंट जो जो है जो है है या सैप वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट तो इस वक्त आप पेड़ नहीं काट सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें हिली रीजन तो कटिंग जो हम करते हैं वो मिड समर्स में करते हैं या फिर विंटर में वहां पर क्योंकि बारिश होती है इसलिए वहां पर हम अवॉइड कर देते हैं प्लेन रीजन के अंदर कटिंग जो है वो कहां पे होगी विंटर्स में समर्स के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर लॉस हो जाता है इसीलिए हम क्या करते हैं उसको विंटर्स में कटिंग जो है वो प्रेफर करते हैं तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो मिड समर या मिड विंटर जो है वो वक्त होता है इन जनरल अगर हम बात करें जेनरिक टोन में तो मिड समर में या मिड विंटर के अंदर जो है सैप का मूवमेंट जो है वो मिनिमम होता है तो उस वक्त आप कटिंग कर सकते हैं इन जनरल अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे तो मिड समर या मिड विंटर में सैप जो है वो रेस्ट पर रहता है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत ज्यादा यंग ट्री होगा तो भी वो टिम्बर हमारे काम की नहीं होगी डीके हो जाएगी बहुत ओवर मेच्योर्ड होगा तो भी वो टेम्बर ऑलरेडी खराब हो चुका है यहाँ पर तो वो भी हमारे यूज में नहीं आ पाएगा इतना अब बात आती है दोस्तों सीजनिंग करना उसके मॉइस्चर को रिमूव करना अब जब नया नया ट्री होगा जिसको काटा आपने उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है बहुत ज्यादा मॉइस्चर रहता है तो उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे यूज कर लिया डीके हो जाएगा सड़ जाएगा खराब हो जाएगा यहाँ पर अब आप उसको क्या कर सकते हो आप उसकी सीजनिंग करवा सकते हो सीजनिंग करवाने के लिए अगर आप बात करें एयर ड्राइंग की अगर आप बात करेंगे एयर ड्राइंग की हवा के अंदर उसके मॉइस्चर को अगर आप हटाना चाह रहे हैं तो एयर ड्राइंग के थ्रू आप 12 से 15 प्रतिशत बारह से 15 प्रतिशत तक एयर ड्राइंग के अंदर 12 टू तो 15 परसेंट तक मॉइस्चर को रिड्यूस कर सकते हो 50 परसेंट से अप टू फिफ्टी परसेंट होता है डिपेंडिंग अपॉन ट्री टू ट्री और कब आपने उसको काटा सैप का मूवमेंट कितना है उसमें पचास प्रतिशत तक मॉइस्चर हो सकता है उस क्वांटिटी को आप लेके आ रहे हो से वो पंद्रह परसेंट के आसपास है और हम क्या चाहेंगे कि कहां तक सीजनिंग हो हम चाहेंगे कि जो सीजनिंग है वो दस से बारह परसेंट तक आ जाए सीजनिंग को इस प्रकार से आप करें कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो टेन टू ट्वेल्व आ जाए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है Seasoning के अंदर हम मॉइस्चर कंटेंट को कितना अचीव तो 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 लगभग कोसेंट जो है वहां तक हम अचीव कर सकते हैं एयर ड्राइंग के अंदर क्लियर ये सबको समझ में आ रहा है अब उस मॉइस्चर को हटाना है उस को हटाना है तो दो प्रकार से हटा सकते हैं एक तो नेचुरली एक हम उसको हटा सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू नेचुरली में क्या है हवा में हवा में को एक्सपोज करना है एयर को एक्सपोज करवाना है वाटर सीजनिंग के थ्रू क्या करेंगे वाटर सीजनिंग में आपने लॉग ऑफ वुड को लिया अब जरूरी तो नहीं है लॉग ऑफ वुड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होगा मान लीजिए उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से है तो इस लॉग ऑफ वुड को जहां पर पानी बह रहा है पानी अगर बह रहा है तो जो उसका लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जो इसका लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसको अपस्ट्रीम साइड में यहां से पानी आ रहा है ना तो अपस्ट्रीम साइड में उस लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया को हम रख देंगे पानी बहेगा वो पानी आके क्या करेगा यहां से इसके थ्रू पास कर जाएगा अब ये क्या बात हुई हम तो बात कर रहे हैं मॉइस्र को हटाने की और आप तो कह रहे हो कि पानी के अंदर इसको डाल दो तो मॉइस्चर जो हम हटा रहे हैं वो हम सैप को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जो फॉल्ट प्रेजेंट है जो है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कि आगे चल के ट्री को डीके करवा देंगे उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं वो इजीली इजिलीपोरेट नहीं होता है वहां से तो हम क्या करेंगे इसको करवाने के लिए और एक कारण ये भी होता है एक कारण और क्या होगा कि जो ट्री है उस ट्री का क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसा है आपने क्या किया उसकी बार्क जो है क्योंकि अब तो पेड़ कट ही चुका है तो बार्क तो पेड़ जब तक जिंदा था तब तक उसका काम था तो बार्क जो है उसकी छाल जो है उसको तो हटा दिया अब अगर आप इसकी सीजनिंग करवाते हैं तो सीजनिंग करवाने के कारण क्या होगा जो आउटर लेयर है इनका मॉइस्चर तो निकल जाएगा इनर लेयर का तो नहीं निकल पाएगा ना इनर लेयर का इतने आसानी से नहीं निकल पाता है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहां पर जो इनर लेयर्स हैं उनका जो सॉल्ट प्रेजेंट है जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको हम हटा इजीली तो इसके थ्रू आप अपस्ट्रीम साइड पे जो लार्जर क्रॉस सेक्शन है उसको रखो और इनके थ्रू पानी जो है यहाँ से आप पास करवा रहे हैं तो वो धीरे धीरे वो वॉश अवे हो जाता है वो सैप जो है वॉश अवे हो जाएगा और नॉर्मल वाटर जो है वो बाद में इजीली जो इवेपोरेट हो जाएगा तो हमारे लिए वो वुड जो है वो ड्यूरेबल बन जाती है आप ये नेचुरल मेथड से वाटर सीजनिंग आप करवा सकते हो फिर आते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स के ऊपर आर्टिफिशियल में आता है बॉइलिंग बॉइल करवा के करवा सकते हो तो जल्दी भी हो जाता है लेकिन कॉस्टली है बॉइलिंग से जल्दी सीजनिंग हो जाएगी बॉइलिंग के थ्रू भी आप क्या करवा रहे हो उसके मॉइस्चर को वॉश अवे करवाने की कोशिश कर रहे हो वहां पर लेकिन ध्यान ये रखना रखना जरूरी है यहाँ पर कि चाहे आप जो भी सीजनिंग करवा रहे हैं बॉइलिंग करवा रहे हैं इलेक्ट्रिकल करवा रहे हैं किल करवा रहे हैं केमिकल करवा रहे हैं तो केमिकल में तो चलो केमिकल्स का इस्तेमाल किया और सीजनिंग कर रहे हैं उसकी इसके अलावा जहां पर भी टेम्परेचर की बात आ जाती है वहां पर यह ध्यान रखा जाता है कि टेम्परेचर इतना भी ज्यादा मत कर दो कि जो आउटर वाली लेयर्स हैं वो खराब हो जाए उस हैवी टेम्परेचर के कारण वो लेयर्स जो हैं वही खराब हो जाए तो इतना भी उसको इतना जो है उसका ध्यान रखा जाता है यहाँ पर तो बॉइलिंग केल और जो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग है या केमिकल सीजनिंग है है ये कैसे मेथड्स हैं आर्टिफिशियल मेथड तो आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंदर सबसे पहले आती है बॉइलिंग जल्दी हो जाता है ये लेकिन कॉस्टली भी ये रहता है जल्दी हो जाएगा बॉइल करवाओगे आप उन वुड को और अब ऑब्वियसली आप एक चीज इमेजिन करके देखो ऐसे तो है नहीं कि चाय का पतीला है उसमें लॉग्स ऑफ वुड डाले और बॉइल कर दिया अब इतने बड़े बड़े लॉग्स को अगर आपको बॉइल करवाना पड़ रहा है तो कितना वाटर जो है वो आपको बॉइल करवाना पड़ेगा बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है प्रोसेस लॉग्स ऑफ टेम्पर आर प्लेसड इन वाटर टेम्परेचर ऑफ विच इज रेज अपॉर थ्री टू फोर आवर्स और उसके बाद नेचुरली उसको ड्राई करवा दिया जाता है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा इवेपोरेशन होगा उनकी सीजनिंग <coughs> जो है वो क्या हो जाती है जल्दी हो जाती है यहाँ पर देन कम्स नेक्स्ट मेथड इलेक्ट्रिकल सीजनिंग इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में उस वुड को ऑल्टरनेटिंग करंट एसी करंट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है अब एसी करंट जो है वो अगर आपने लगाया किसी के ऊपर वुड के ऊपर लगा दिया अब वुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तो करेगा नहीं जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी उसके थ्रू तो वो क्या करेगा हीट करेगा वो उसको क्या कर देगा हीट कर देगा, हीट कर देगा. हीटिंग का एक्शन होगा और ये हीटिंग क्या करवा देगी उसकी सीजनिंग करवा देती है ये हीटिंग क्या करवाएगी उस सैप को वहां से हटाएगी करवाएगी। तो ये उसकी सीजनिंग करवा देता है नेक्स्ट आता है दोस्तों किलन सीजनिंग किलन सीजनिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो किलन सीजनिंग के अंदर आप सेचुरेटेड एयर जो है प्रेशर के साथ आप सेचुरेटेड एयर को है एक्सपोज करते हो टिम्बर को उससे सैचुरेटेड एयर को एक्सपोज कर दिया जाता है जो है उसके आसपास सेचुरेटेड एयर रहेगी प्रेशर के साथ साथ यहाँ पर तो उससे उसकी यूनिफॉर्म ड्राइंग हो रही है उससे क्या हो रही है उसकी यूनिफॉर्म ड्राइंग हो रही है वही बात जो मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जनरली अगर आप उसको अगर आप ड्राई करने की कोशिश कर रहे हो टेम्परेचर की मदद से तो आउटर लेयर्स का तो क्या हो जाता है मॉइस्चर इजीली निकल जाता है लेकिन जो इनर लेयर्स है ना उनका निकल पाना मुश्किल हो जाता है वो बाहर जाएगा तो इन सारी लेयर्स के थ्रू जाना पड़ेगा दूसरी बात क्या आ जाती है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ लेयर्स का मॉइस्चर इनवर्ड भी तो मूव कर सकता है ना अब बाहर टेम्परेचर लग रहा है यहां वाले पे ज्यादा आया फिर यहाँ थोड़ा कम आया फिर थोड़ा और कम आया अब यहाँ वाला जो मॉइस्चर है उसको है कि यहां से तो हटो यहां से तो हीट आ रही है यहां से हटो अब वो बाहर जाने की बजाय वो क्या कर जाता है इनवर्ड भी मूव कर सकता है तो वो ऐसा ना करे यूनिफॉर्म ड्राइंग हो उसकी तो इसके लिए हम उसकी सीजनिंग करवा सकते हैं सैचुरेटेड एयर लगभग 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक हम क्या करेंगे इसके ऊपर सेचुरेटेड एयर जो है वो एक्सपोज करेंगे यहां पर यहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो लगभग सेम रहेगी तो इसकी यूनिफॉर्म ड्राइंग होगी थ्रू आउट

वो खत्म हो जाए उसके बाद मॉइस्चर जो है वो इजीली वेपोरेट हो जाएगा और वो टिम्बर हमारे यूज करने लायक जो है वो बन जाएगी एयर सीजनिंग के अंदर दोस्तों आप शेड्स के अंदर जो है टिम्बर को आप लगा दीजिए उन टिम्बर को एयर एक्सपोज हो रही है एयर के धीरे धीरे उस मॉइस्चर को क्या कर देगी वहां से हटा देगी वाटर सीजनिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इन द डायरेक्शन ऑफ लो जो लार्जर क्रॉस सेक्शन होता है उस क्रॉस सेक्शन को आप रख दीजिए और इसके थ्रू जो है वाटर को पास करने देंगे आप और धीरे 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 क्या हो जाएगा वो सैप वॉश अवे हो जाएगा सैप वॉश अवे हो गया तो नॉर्मली जो वाटर है नेचुरल वाटर है वो इजीली वेपोरेट हो जाता है तो ये हमारा सेकंड स्टेप था प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर का जिसमें हम सीजनिंग की बात कर रहे थे अगर आपसे पूछा जाता है कि सीजनिंग इज अ पार्ट ऑफ 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 ट्री 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 प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशन ऐसे options अगर आपको दिया जाता है तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये 2018 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया 2019 में भी ऐसे क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे गए तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज पढ़ रहे हैं इसीलिए दोस्तों तो हर स्लाइड के ऊपर अब मैं चाहता तो बार बार ये लिखना जरूरी थोड़ी ना है तो हर बार हम ये चीजें इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ टेम्बर पढ़ रहे हैं जिसके अंदर सीजनिंग ऑफ टिम्बर की बात हो रही है सीजनिंग में भी हम किसकी बात कर रहे हैं नेचुरल सीजनिंग की नेचुरल सीजनिंग के अंदर भी एयर है और वाटर सीजनिंग है तो पढ़ते वक्त अगर आप इन चीजों पे थोड़ा सा एक बार भी ध्यान दे लेंगे तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे कई बार हमें टॉपिक सारे पता होते हैं आपसे पूछा जाएगा किरण सीजनिंग क्या होता है आप बता दोगे आपसे पूछा जाएगा कि आप नेचुरल सीजनिंग के अंदर एयर क्या है आप बता दोगे लेकिन वहां पर एग्जाम में ये कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी कि ये कन्वर्जन ऑफ टिम्बर का था या फिर प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर का था प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर का था किसका था तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग ऑफ टिम्बर की जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं सीजनिंग ऑफ टिम्बर की देन कम्स

चार तरीके से कर सकते हैं आप इन जनरल अगर हम बात करें ऑर्डिनरी क्वार्टर टेंजेंशियल रेडियल कर सकते हैं अगर हम बात करें दोस्तों ऑर्डिनरी स्वाइंग की तो ऑर्डिनरी स्वाइंग के अंदर आप क्या करेंगे सिंपल इस तरीके से टिम्बर को आप कट करते जाओ जो भी इनके प्लैंक्स बन रहे हैं या लिंबर जो बन रहा है वो आप निकालते जाओ इसमें से तो ऐसे केस में क्या होगा वेस्टेज जो है वो कम से कम होगा आप लेयर 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 बाय 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 सारी layer जो आप यहां पर तो प्लैंक प्लैंक एक इस रिंग के टेंजेंशियल आपने कट लगा दिया ये वाली एनुलर रिंग के टेंजेंशियल 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 टेंजेंट बनाते हुए कट लगा दिया जितने भी सर्कुलर रिंग्स थी उनके टेंजेंट बनाते हुए हमने क्या कर दिया कट्स लगा दिया यहां पर उसके बाद आती है दोस्तों क्वार्टर क्वार्टर का मतलब आपको पता है क्या होता है वन फोर्थ पोर्शन ठीक है वन फोर्थ पोर्शन क्वार्टर सोइंग की आप बात कर रहे हैं यहां पर तो क्वार्टर सोइंग के अंदर आपने क्या किया नाइंटी डिग्रीज पे कट लगाते हुए इस तरीके से नाइंटी डिग्रीज पर कट लगाते हुए आपने क्या कर दी इसकी सोइंग कर दी कब इस्तेमाल होता है जब एनुअल रिंग्स जो है वो इनडिस्टिंक्ट है अलग अलग जो है वो मतलब क्लियरली आइडेंटिफाइबल नहीं है इनडिस्टिंग है

टेंजेंशियल स्वाइंग के अंदर जो है सबसे कम स्ट्रेंथ आपको मिलती है ये बात आपको याद रखनी है टेंजेंशियल स्वाइंग के अंदर सबसे कम स्ट्रेंथ जो है आपको ऑब्टेन होती है क्यों कम ऑब्टेन होती है क्योंकि टेंजेंशियल स्वाइंग में आप क्या करेंगे स्वाइंग जो कर रहे हैं

तो आपने यहां पर ये 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 जो जो जा रही थी, ये भी काट दी आपने। ये जो इन अलग-अलग लेयर्स को बाइंड करके रख रही थी इन अलग 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 एनुलर रिंग्स को बाइंड करके रख रही थी उनको भी आपने काट दिया तो इससे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है यहां पर इससे उनकी स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है Then comes radial sawing. Radial sawing मतलब रेडियस की डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में उसको काट रहे हैं तो रेडियल डायरेक्शन में अगर आप उसको कट करेंगे तो ये जो आपकी मेडुलरी रिंग्स हैं ये मेडुलरी रिंग्स जो हैं इन मेडुलरी रिंग्स के पैरेलल कट लगा रहे हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है मेडुलरी रिंग्स जो हैं ये प्रिजर्व रह रही है, यहां कट लगाया यहां कट लगाया यहां लगाया यहां लगाया तो मेडुलरी रिंग्स जो है ये नहीं कट रही हैं तो इनसे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मैक्सिमम मिलेगी स्ट्रेंथ तो मैक्सिमम मिलेगी लेकिन वेस्टेज भी जो है वो ज्यादा होता है यहां पर तो वेस्टेज भी ज्यादा होगा लेकिन स्ट्रेंथ भी यहां पर ज्यादा आपको देखने को मिलेगी रेडियल स्वाइंग के अंदर सबसे कम स्ट्रेंथ किसमें टेंजेंशियल स्वाइंग में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें रेडियल स्वाइंग के अंदर सबसे ज्यादा वेस्टेज किसमें रेडियल स्वाइंग में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कौन सा ऑर्डिनरी स्वाइंग तो ये चार पांच सवाल जो है आपसे पूछते हैं देन कम्स प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ का मतलब है कि आपने जो टिम्बर को कन्वर्ट कर लिया कन्वर्जन कर दिया उसकी जो शेप चाहिए वो दे दिया आपने अब उसको प्रिजर्व करना कि वो लंबे समय तक ड्यूरेबल रहे तो प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर की सॉरी अब प्रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं अगर प्रिजर्वेशन ऑफ टिंबर की अगर हम बात करें तो प्रिजर्वेशन जो है आप किन किन मेथड से और किसके अगेंस्ट आप प्रिजर्व कर रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो उनके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों तो प्रिजर्वेशन इज कैरिड आउट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टिम्बर स्ट्रक्चर टू मेक इट मोर ड्यूरेबल एंड इंक्रीज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट अटैक ऑफ एंजाई इंसेक्ट्स टर्माइट्स एटसेट्रा तो ये सारा हो गया हमारा प्रिजर्वेशन का प्रिजर्वेशन किस किस के लिए करते हैं अगर आप आर्सानी कॉपर ट्रीटमेंट की बात करें तो कॉपर ट्रीटमेंट जो है ये आप जो होती हैं इनसे बचाने के लिए आप करते हैं यहाँ पर वाइट एंड जो होती हैं वाइट एंडस से प्रोटेक्ट करने के लिए आप आर्सैनिक कॉपर ट्रीटमेंट करते हैं यहां पर तो आर्सैनिक पेंटोक्साइड कॉपर सल्फेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो सोल्यूशन है ये हम अप्लाई करते हैं अगर हमें बचाना है वाइट एंड से देन कम्स सम अदर केमिकल सॉल्ट जैसे कि कॉपर सल्फेट जिंक क्लोराइड क्लोराइड एटसेट्रा ये हम यूज करते हैं ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो फंजाई अटैक है उसको रिड्यूस करवाने के लिए कोल टार से भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोल टार से प्रोटेक्ट करेंगे तो ये उसके फायर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है कोल टार से अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके फायर रेजिस्टेंस को वो बढ़ा देता है साथ ही साथ में दोस्तों अगर इसको आप जो है क्रियोसोट ऑयल की अगर हम बात करें यहां पर भी टार का ही इस्तेमाल होगा डिस्टिल्ड टार या फिर आप डिस्टिलेशन ऑफ टार वुड की अगर आप बात करें तो इससे आप प्रेशर के ऊपर प्रेशर से आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अगर आप क्रियोसोट ऑयल का यूज करते हैं यहां पर क्रियोसोट ऑयल बना कहां से ये भी टार वुड से या फिर जो कोल है उसी के डिस्टिलेशन से ही बन रहा है यहां पर इसको आप प्रेशर पे अप्लाई करते हो प्रेशर के साथ आप इसको अप्लाई करते हो तो उसकी लाइफ जो है वो लगभग डबल हो जाती है डबल्स द लाइफ ऑफ द टिम्बर और इसी को आप क्रियोसोटिक <coughs> प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन इज नोन एज क्रियोसोटिक और ऑइल को आप अप्लाई करेंगे फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा से लेकर वन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर तक इस टिम्बर के ऊपर आप अप्लाई कर देंगे जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसकी लाइफ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है यहाँ पर फिर उसके बाद कुछ और सोलिग्नम पेंट हो सकते हैं ऑयल पेंट्स हो सक हो सकते हैं जो की पानी के अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे थोड़े से कॉस्टली होते हैं लेकिन वॉटर के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है ये प्रोवाइड करते हैं अब ये बातें हो गई दोस्तों प्रिजर्वेशन की सबसे पहले फॉलिंग ऑफ ट्री की हमने बात कर ली फिर उसके बाद हमने बात कर ली कि उसको आप क्या करेंगे लॉग्स की फॉर्म में जो प्रेजेंट है उसकी सीजनिंग करवा रहे हैं तो आपने क्या किया उसकी सीजनिंग करवाई सीजनिंग के बाद आप उसका कन्वर्जन करवा रहे हैं कन्वर्जन के बाद आप उसका क्या करवा रहे हैं प्रिजर्वेशन करवा रहे हैं तो प्रिजर्वेशन तक की बात हो गई अब कौन कौन से डिफेक्ट्स आ जाते हैं टिम्बर के अंदर उनकी भी बात कर लेते हैं ताकि हमें पता लग पाए कि कोई टिम्बर जो है वो डिफेक्टेड है या नहीं है मान लीजिए आप मार्केट में टिम्बर खरीदने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या डिफेक्ट है इनमें या फिर आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इनकी बात हो रही है यहां पर अब डिफेक्ट कैसे कैसे आ सकते आ सकते हैं पहला सीजनिंग के कारण दूसरा नेचुरल रिसोर्सिस तीसरा कन्वर्जन जो है जब आप टेम्बर को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके कारण और नेक्स्ट जो है वो अटैक के कारण आ सकते हैं सीजनिंग की बात करें सीजनिंग अगर प्रॉपर नहीं हुई इमप्रॉपर तरीके से आपने सीजन कर दिया ज्यादा बॉईल कर दिया पानी के अंदर ज्यादा समय तक रख दिया अगर ड्राइंग कर रहे हैं उसकी तो बहुत ज्यादा हीट के अंदर बहुत ज्यादा सनलाइट में एक्सपोज कर दिया उसको मॉइस्चर जो है वो एकदम से ही वेपोरेट हो गया

वो डिफेक्ट्स हैं उनमें सबसे पहला आता है चेक आता है यहां पर तो चेक जो होता है वो क्या होता है एक तरीके से आप ये बात कर लीजिए ब्रिक्स में भी हमने बात की थी चेक्स या क्रैक्स जो होते हैं ये क्या होंगे आप अगर एनुलर रिंग्स को देखें एनुअल रिंग्स को देखें थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन चल रही है वो पूरी लेंथ के चल रही है यहाँ पर तो लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक आ जाता है उसके अंदर लेंथ के पूरी लेंथ के अलॉन्ग जो आपकी रिंग्स हैं उनके अंदर पूरे में क्रैक आ जाता है यहां पर तो उसे आप क्या बोल देते हो चेक्स बोल देते हो कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये आपकी एनुलर रिंग्स थी और यहां पे ऐसे चेक्स आ गए अब वो लेंथ लॉन्ग जो है आपको वो पूरा थ्रू आउट क्रैक अवेलेबल रहेगा यहाँ पर तो इट तो इज अ लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक विच इज यूजली नॉर्मल टू द एनुलर रिंग्स एनुलर रिंग्स के लगभग नॉर्मल रहेगा ये जो क्रैक आता है चेक्स जो आएंगे यहां पर सलीफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ टेम्बर बिकॉज देर रेडिली एडमिट मॉइस्र एंड एयर अब ये जो क्रैक आ गया वो मॉइस्टर को और एयर को फिर आते हैं दोस्तों shakes. अब shakes क्या है यहां पर लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन इन वुड बिटवीन द एनुलर रिंग्स अब शेक्स में क्या होगा एनुलर रिंग्स के बीच में सेपरेशन आ गया इस तरीके से चेक में तो क्या हुआ लेंथ की डायरेक्शन में आप पूरे क्रॉस सेक्शन को अगर देखेंगे मान लीजिए कुछ ऐसे ये लॉग ऑफ वुड है आपके पास अब इसके अंदर क्या हुआ ये आपकी एनुलर रिंग्स थी इन एनुलर रिंग्स के नॉर्मल या ये कह लीजिए यहां पर जो क्रैक आ रहा था उसे हमने कह दिया कि ये चेक्स हो गए लॉन्गिट्यूडिनल जो क्रैक आया है और नॉर्मल टू द एनर रिंग्स आया है इसे हमने कह दिया कि ये चेक या जो क्रैक्स आ गए शेक्स जो होते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनल सेपरेशन इन वुड बिटवीन द एनुअल रिंग्स एनुअल रिंग्स के बीच में ही सेपरेशन आ गया यहां पे ऐसे सेपरेशन आ गया इनके बीच में जो है सेपरेशन क्रिएट हो गया और ये भी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में पूरी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में ये जो सेपरेशन आ गया इसे आप क्या बोल देते हैं शेक्स शेक्स जो है उनके बारे में भी बात करेंगे फिर फर्दर हार्ट शेक और जो आपके स्टार शेक्स हैं इनके बारे में भी लेकिन फिलहाल बस इनकी डेफिनेशन जो है आप समझ लीजिए कि पूरी ये जो डेफिनेशन है कैसे इसको डिफाइन किया जा रहा है इतने ज्यादा डिटेल में आपसे ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता है लेकिन समझना जरूरी है एक बार समझ में आ गया तो सिंपल सी टर्म में क्वेश्चंस आपसे पूछे होंगे कि हाँ एनुलर रिंग्स पे जो क्रैक्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं उन्हें हम चेक्स बोल देते हैं एनुलर रिंग्स खुद ही सेपरेट हो गई अगर तो वहां पे हम क्या बोल देते हैं उनको शेक्स बोल देते हैं फिर वो क्रैक जो है बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं या इनवर्ट पॉइंट कर रहे हैं तो कौन सा है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बस तो सेपरेशन मेक्स द वुड अनडिजायरेबल व्हेन अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट बोथ द एंड चेक्स इफ प्रेजेंट नियर द न्यूट्रल प्लेन ऑफ अ बीम दे मे मेटीरियली वीकन इट्स रेजिस्टेंस टू हॉरिजॉन्टल शेयर जाहिर सी बात है अगर कहीं पर स्ट्रेस आ रहा है अगर आप बीम बना रहे हैं उसकी मान लीजिए कोई वुड की उसके ऊपर लोड आ रहा है अगर और वहां पर क्रैक्स अवेलेबल हैं चाहे वो शेक्स की फॉर्म में एनुलर रिंग्स अलग अलग हो रखी हैं बीच में जो क्रैक्स आ रखे हैं या फिर आप ये कह लीजिए कि जैक्स आ रखे हैं तो वो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा बताने की जरूरत ही नहीं है देन कम्स हार्ट हार्ट किसके कारण आता है हार्टवुड जब श्रिंक हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा मेच्योर हो जाती है तो हार्ट शेक आ जाता है यहाँ पर क्रैक स्टार्ट फ्रॉम पिथ एंड रन टूवर्ड्स द सैप वुड पिथ से लेके सैफ वुड तक चलेंगे और ये क्या होंगे वाइडर एट सेंटर मतलब स्टार जैसी शेप बनाएंगे ये ऐसे 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 ये आपकी रिंग्स थी तो ऐसे वाइडर एट सेंटर और ऐसे जाएंगे क्रैक्स तो आप ये कह लीजिए कि जैसे स्टार सा बन जाता है यहां पर कुछ ऐसा इमेजिन कर सकते हैं आप दो और ही बना देते हैं शक्तिमान सभी ने देखा होगा शक्तिमान के यहाँ पे आपको दिखता है तो शक्तिमान के यहाँ पे क्या होता है हार्ट शेक होता है <coughs> हार्ट शेक जो है किसके कारण होंगे हार्टवुड जब श्रिंक हो जाती है या ओवर मैच्योर हो जाती है क्रैक शुरू होंगे पित्त से लेके बाहर की तरफ जाएंगे और दीज आर वाइडर एट सेंटर सेंटर पर वाइड होंगे और धीरे 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 एंड पे आके क्या हो जाएंगे यहां पर कम होते जाएंगे या फिर मतलब पॉइंटेड होते जाएंगे कप शेक्स अपीयर एज कर् स्प्लिट बहुत ज्यादा फ्रोस्टिंग हो जाएगी या फिर वहां पर जो बर्फ है उसके कारण हो रहा है फ्रोस्ट एक्शन के कारण होता है तो सैप जो है ट्री के अंदर वो प्रेजेंट है और वहां पर टेम्परेचर अगर कम हो गया तो उसके कारण जो है वो कप शेक्स बन जाते हैं कप शेप्स की अगर बात करें तो आप कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं यहां पर कि ये पूरा का पूरा गैप्स आ गया यहां पर फ्रॉस्टिंग एक्शन के कारण आ गए हार्ट शेक और स्टार शेक्स में अंतर क्या है जो हार्ट शेक है है उसमें स्टार बन रहा इमेज देख लीजिए और स्टार शेक्स में इसका उल्टा है स्टार में स्टार नहीं बन रहा सिर्फ जस्ट टू रिमेंबर वाइडर कहां पे होते हैं पॉइंटेड कहां पे होते हैं हार्ट शेक्स जो है हार्ट शेक में स्टार बन रहा है स्टार वाले में स्टार नहीं बन रहा तो स्टार वाले वाइडर एंड्स होते हैं पॉइंटेड टू वर्ड्स सेंटर होते हैं याद रहेगा सबको याद रहेगा सबको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज या फिर ग्रोथ इसके अंदर अगला डिफेक्ट आपके पास कप शेप ऑलरेडी बात कर चुके रिंग शेप जो है ये पूरा का पूरा का थ्रू आउट अगर आ जाए कप शेप का आपका या फिर पूरा का पूरा सैप जो है वो फ्रीज हो रहा है फ्रॉस्ट एक्शन के कारण पर तो आपका रिंग शेप आपको देखने को मिल जाता है फिर आता है रिंग गेल्स रिंग गेल्स जो है अगर आपने यहाँ पर क्या कर दिया कोई ब्रांच को एकदम से काट दिया ब्रांच को काटने के बाद क्या हो जाएगा उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है कुछ सैपवुड की के लेयर जो है वो उसको कवर कर देंगी तो इसे हम क्या बोल देते हैं रिंड गेल्स बोल देते हैं यहां पर Noughts जो नॉट के अंदर क्या होगा यहां पर कुछ ऐसी ब्रांच जो ग्रो करने वाली थी उसके ऊपर अगर कोई लेयर आ गई यहां पर कोई ब्रांच ग्रो करने वाली थी उसके ऊपर जो है कोई कैम्बियम लेयर अगर आ गई तो वो उसके कारण क्या बन जाता है नॉट्स बन जाता है रिंट गेल्स के अंदर तो आपने क्या किया वहां पर ब्रांच को काट दिया काटने के बाद उस पर जो कवरिंग आई तो वो स्वेलिंग क्रिएट हो गई उसे हम कह देते हैं रिंडगेल कह देते हैं नॉट्स के अंदर क्या हुआ नॉट्स के अंदर कोई ब्रांच ग्रो करती वहां पर और उसके ऊपर क्या आ गई कोई एक्टिविटीज जो कैंबियम एक्टिविटी के कारण उसके ऊपर लेयर्स आ गई वहां पर तो आप कहते हैं कि वहां पर नॉट फॉर्म हो गया नेक्स्ट उसके बाद आता है दोस्तों डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन कन्वर्जन की वजह से या फिर जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो उसको आप शेप दे रहे हैं तो उसकी वजह से जो डिफेक्ट आते हैं तो पहला होता है कि जो भी आप टूल्स यूज कर रहे हो कोई टिंबर के पीस को प्लेन कर रहे हो उसको अगर आप प्लेन करने के लिए जो टूल का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है चिप मार्क उसकी वजह से जो शेप है वो आपने प्रॉपर्ली उसको स्मूथ कर रहे थे उसको प्लेन कर रहे थे तो अगर मान लीजिए स्किल्ड आपका कारपेंटर नहीं है उसने कोई गड़बड़ कर दी तो ऐसे निशान अगर बन गए वो किसकी वजह से कि ड्यू टू मार्क्स ऑफ प्लेनिंग टूल जो टूल उसने यूज किए वो प्रॉपरली उसने यूज नहीं किए उसकी वजह से आ सकता है या फिर क्या हो गया कि कोई वुड का ग्रेन जो है वो अलग हो गया यहाँ पर टॉर्न ग्रेन कुछ भी हो सकता है किसी भी कारण से हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप घर के अंदर फर्नीचर अगर फिन इधर उधर शिफ्ट कर रहे थे तो मान लीजिए डोर से अंदर लेके आ रहे थे तो बाय चांस आपने जो गेट था जो डोर था आपका उस डोर पे आपने टच करा दिया तो उसके ग्रेन हट गए उसके ऊपर से तो वो टॉर्न ग्रेन हो गया सिमिलर वे में जब आप टिम्बर को कन्वर्ट कर रहे हो तो टिम्बर को कन्वर्ट करते वक्त मान लीजिए कोई टूल गिर गया कारपेंटर के हाथ से तो वो इस तरीके से बीच में से कुछ ग्रेन जो है उसके हट गए कुछ पार्टिकल्स ये कह लीजिए हट गए उसके ग्रेन हट गए कुछ तो ये आप कह देते हो टॉर्न हो गया हो गया वहां से तो टॉर्न ग्रेन हम उसको बोल देते हैं फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट डायगनल ग्रेन। ग्रेन किसी चीज को आप खुद काट के देखते हैं अगर आप कोई अगर आप इतने नहीं है, तो जब आप उसको कट करते हैं उसके क्रॉस सेक्शन को आप देखोग ऐसे 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 कुछ कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं डायगनल ग्रेन आपको दिखाई दे रहे हैं तो इमप्रॉपर कटिंग के कारण होता है ऐसा किसके कारण होता है इमप्रॉपर कटिंग के कारण डायगनल ग्रेन फॉर्म हो जाते हैं नेक्स्ट कम्स वेन वेन जो है वो क्या रहता है ओरिजिनली जो वुड है उसके अंदर कोई राउंडेड पोर्शन अगर प्रेजेंट है कोई कर्व अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो किसके कारण वो क्या कह देते हैं हम वेन है वो क्या है वेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओरिजिनली राउंडेड सरफेस ऑफ फिनिश्ड टिम्बर सेक्शन तो वो क्या कहलाता है वेन कहलाता है अब बात आती है दोस्तों फंजाई की वजह से जो अटैक्स होते हैं उनमें आता है सबसे पहले ब्लू स्टेन जैसा कि नाम ही बता रहा है यहां पर तो सैप अगर ज्यादा प्रेजेंट था सैप अगर ज्यादा प्रेजेंट था तो उसके कारण क्या हो जाता है वो डीके होगा वो सड़ेगा डीकोज होगा वो तो उसके कारण ब्लू कलर जो है आ जाता है ब्लू स्टेन हम उसको बोल देते हैं और वो वुड धीरे धीरे खराब हो जाएगी देन कम्स ब्राउन रॉट ब्राउन रॉट के अंदर क्या होगा यहां पर कि जो फंजाई है वो क्या करेगी सैल्यूलोस को हटा देगी वहां पर और धीरे धीरे उसको डीकम्पोज करते हुए वो उसको करते हुए क्या कर देगी रेडिश कलर या फिर ब्राउन कलर जो है वो प्रोवाइड कर देगी यहाँ पर रेडिश सा कलर जो है वो लगभग आ जाता है किसके कारण होता है सेल्यूलोज को वो जो फंजाई है वो हटा देगी डीकम्पोज कर देगी तो उसके कारण रेडिश कलर जो है आपको देखने को मिलता है वुड के अंदर देन कम्स व्हाइट रॉट वाइट रॉट में आपको क्या मिलेगा यहां पर जो एक प्लांट के सेल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है लिग्निन लिग्निन को हटा देती है लिग्निन के रिमूवल के लिए लिग्निन जो है उसको हटा देगी तो उससे कुछ इस तरीके से आपको यहां पर व्हाइट रॉट देखने को मिलते हैं टिम्बर के ऊपर व्हाइट तो स्पॉट आपको मिलेंगे व्हाइट कलर के जो निशान है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे देन कम्स ड्राई रॉट ड्राई रॉट के केस में क्या हो जाएगा टिम्बर को पाउडर्ड फॉर्म में जो दीमक हम बोलते हैं वो क्या कर देगा वुड को डीकम्पोज कर देगा पाउडर्ड फॉर्म में वुड कन्वर्ट होती रहेगी ये लैक ऑफ वेंटिलेशन के कारण होता है ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है तो ड्राई रॉट किसके कारण होता है कि जब एयर प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पा रही है लैक ऑफ वेंटिलेशन है तो ऐसे केस में ड्राई रॉट आपको देखने को मिलता है देन कम्स वेट वेट रॉट रॉट किसके कारण होता है जब बार बार ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग हो रही है वेट रॉट किसके कारण हो रहा है ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ टिम्बर तो इसके कारण वेट रॉट जो है वो हो जाता है जनरली वेट रॉट आपको कहां देखने को मिलेगा जैसे मान लीजिए कोई बाथरूम का डोर है वो आपने वुडन लगा रखा है और उस पर डायरेक्टली पानी जो है वो गिर रहा है तो वो डेली जो है वो वेट हो रहा है फिर फिर सूख रहा है फिर फिर ऐसा हो रहा है तो ऐसे के कारण क्या हो जाएगा और अगर आपने उसको प्रिजर्व नहीं कर रखा वाटर के अगेंस्ट तो वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा यहाँ पर तो वेट रॉड जो है वो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग की वजह से होता है फिर कुछ वुड प्रोडक्ट्स आते हैं जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि प्लाईवुड जो है उनके बारे में आपसे पूछते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों विनीरस के विनीर क्या होते हैं विनीर जो है बिल्कुल वुड की बहुत ही पतली पतली लेयर जो है उनको हम क्या कहते हैं विनीर कहते हैं यहाँ पर

पॉइंट सिक्स एम एम पॉइंट फोर से लेके पॉइंट सिक्स mm तक इनकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है एक एम mm एम से ज्यादा किसी भी हालत में इनकी थिकनेस जो है वो नहीं होनी चाहिए तो सबसे ज्यादा जो वुड प्रेफर की जाती है वो वॉलनेट की प्रेफर की जाती है जो विनीर बनाने के लिए जो वुड यूज होती है वॉलनेट जो है वो मैक्सिमम यूज होता है सेकेंड आता है दोस्तों प्लाईवुड प्लाईवुड आप सभी को पता है प्लाईवुड हर किसी को पता है दोस्तों यहां पर तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बहुत सारी लेयर जो हैं उनको ग्लू कर देते हैं चिपका देते हैं और प्रेशर के साथ बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ उनको प्रेस करके उनको चिपका कर चिपका दिया जाता है यहां पर और लगभग थ्री से लेके थर्टीन इनको थ्री से लेके थर्टीन नंबर के बीच में हम इनको चिपका देते हैं यहां पर और ये होती है ऑर्ड नंबर में ऑर्ड नंबर के अंदर जो आपकी प्लाइज हैं जो लेयर्स हैं उनको हमने ग्लू कर दिया यहां पर अब इनमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं फेसेस कोर्स या फिर क्रॉस बेंड्स स्पेसिस किसको बोलते हैं जो भी आउटर मोस्ट है ऊपर वाला नीचे वाला जो आउटर मोस्ट जो लेयर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं फेस बोलते हैं फिर उसके बाद आता है दोस्तों कोर कोर वो वाली प्लाइज होती हैं जो इन फेस की ये जो फेस वाली जो प्लाई थी इसकी ग्रेन की जो डायरेक्शन है जैसे मान लीजिए इसके ग्रेन जैसे अलाइंड है अगर तो प्लाई जो कोर है वो वो वाली प्लाई है वो वाली शीट है जिनका जो ग्रेन का डायरेक्शन है वो पैरेलल रहेगा फेस के प्लाइज दैट हैव ग्रेन डायरेक्शन पैरेलल टू दैट ऑफ फेसेस क्रॉस बैंड्स वो वाली प्लाइज हैं जो परपेंडिकुलर रहेंगी प्लाइज पर हैव ग्रेन डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो अगर जो टॉप और बॉटम वाले यानी कि फेसेस जो हैं उनकी जो ग्रेन की डायरेक्शन है उनके पार्टिकल्स जो जिस डायरेक्शन में अलाइंड है उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो आपकी है नीचे इससे नीचे वाली लेयर इससे नीचे वाली लेयर वो क्या रहेगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसके जो हैं वो रहेंगे तो आप ये कह लीजिए एक लेयर आपकी दिख रही है आपको अब प्लाईवुड को अगर आप देखेंगे ग्रेन के अकॉर्डिंग तो एक लेयर आपको ऐसे दिखाई दे रही है फिर उसके बाद एक लेयर आपको ऐसे दिखाई दे रही है फिर उसके बाद एक लेयर ऐसे फिर एक लेयर ऐसे इस तरीके से ग्रेन्स जो है यहाँ पर अलाइंस है आपके प्लाईवुड का यूज बताने की जरूरत ही नहीं है प्लाईवुड आपको फर्नीचर में पार्टीशन के अंदर आपको दिखाई देता है जब भी आप कोई घर के अंदर फर्नीचर बना रहे हैं कप बनवा रहे हैं अगर आप उसमें यूज होगा डोर के अंदर भी यूज जो है इनका आ जाता है जहां भी पार्टीशन की बात आती है वहां पे आ जाता है जहां भी बोर्ड यूज करने हैं आपको वहां पे आ जाते हैं तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं आपके नेक्स्ट देन कम्स फाइबर बोर्ड अब फाइबर बोर्ड जो है वो सस्ता काम अगर करना होता है जहां पे भी ज्यादा क्वालिटी का काम नहीं करना जो कि आपको अक्सर पीजी में दिखाई देता होगा तो पहले लोग जो है वो रूम के घर किराए पे देते थे फिर धीरे धीरे रूम्स किराए देने किराए पे देने लग गए फिर उसके बाद रूम में पार्टीशन करके वो किराए पर देने लग गए और फिर वो पार्टीशन जो है वो भी धीरे धीरे ऐसी चीजों पर आ गया कि मतलब एकदम बिल्कुल फाइबर बोर्ड वाले ही यूज़ करने लग गए कि हाँ कम से कम पैसे लगे ज्यादा से ज्यादा रेंट आ जाए तो फाइबर बोर्ड के अंदर होता क्या है दोस्तों जो भी मैटर होता है चाहे आप वुड वेस्ट कह लीजिए चाहे आप कोई ऑर्गेनिक वेस्ट कह लीजिए वेजिटेबल्स का वेस्ट कह लीजिए तो वो मैटर जो है उसको हम क्या कर देते हैं कंप्रेस करके उसको यूज कर लेते हैं उसका फाइबर बोर्ड बना देते हैं यहाँ पर तो जो भी वुड का वेस्टेज हो गया या फिर ये कह लीजिए कि वेजिटेबल वेस्ट जो हो गया प्लांट्स के वेस्ट अगर हैं उनको कंप्रेस करके उनको प्रेस करके हम क्या कर देते हैं फाइबर बोर्ड बना देते हैं यहाँ पर तो फाइबर बोर्ड जो है इनको अगर हम बात करें तो सॉफ्ट मीडियम हार्ड तीन टाइप का हो सकता है जहां पे भी वॉल्स या सीलिंग की बात करें उनमें अगर इसका इस्तेमाल करेंगे हम तो सॉफ्ट वाले यूज करेंगे पार्टीशन करना है पैनल्स बनाने हैं अगर आपको तो उनमें मीडियम यूज करेंगे और जहां पर भी वॉल्स के अंदर डोर्स पे या फिर जो बस की बॉडीज में अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका हार्ड वाला जो है वो यूज होगा जहां पे भी बस की बॉडीज में आउटर और इनर तो आपको मेटेलिक शीट्स ही दिखाई देती हैं उनके बीच में अगर हम फिल कर रहे हैं तो वो आप फाइबर बोर्ड जो है वहाँ पर फिल कर सकते हैं वाइब्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए या फिर हीट या जो बाहर का जो टेम्परेचर है अंदर का टेम्परेचर है उसमें इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्सचेंज को वो हम यूज कर सकते हैं अब ये थी टिम्बर के बारे में मेन बातें दोस्तों अब टिम्बर से रिलेटेड और कुछ कुछ सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं वो जो पूछे जाते हैं या एक बार अभी इस बार 2020 में पूछा गया उसके टेस्ट से रिलेटेड जो है वो पूछा गया था तो उसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ और जो एडिशनल जो क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड बनते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों आज की जो शाम की आठ बजे की हमारी स्पेशल क्लास होगी उस स्पेशल क्लास के अंदर तो उस स्पेशल क्लास के लिए आपको क्या करना है अन अकेडमी की ऐप के ऊपर आपको जाना है अन अकेडमी की ऐप के ऊपर जाके आपको संदीप जानी सर्च करना है वहां पे आपको मेरी प्रोफाइल दिखाई देगी और मेरी प्रोफाइल के अंदर आपको ये जो जो हमारी स्पेशल क्लास होगी रात को आठ बजे ये आप देख सकते हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना सब्सक्रिप्शन भी नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उसके लिए बस एक अनलॉक कोड की जरूरत पड़ेगी या इनवाइट कोड लिखा होगा तो वो आप यूज कर सकते हैं संदीप डबल वन जैसे ही संदीप डबल वन आप यूज करेंगे उस क्लास को आप एक्सेस कर पाएंगे और आप उस क्लास के अंदर आज जो भी हमने पढ़ा है टिम्बर से रिलेटेड वो आप वहां पर पढ़ पाएंगे ठीक है आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं न्यूमेरिकल की क्लास एक्चुअली कल टेस्ट करवाना था तो इस चक्कर में काफ़ी टाइम जो है वहीं लग गया शाम को मैं कोशिश कर रहा था कि शाम तक अगर हो जाती तो बट हो नहीं पाया ठीक है और हाँ जी फीवर चलेगा दोस्त कुछ दिन चलेगा अभी पंद्रह दिन के लिए हो गया काम ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर और यूट्यूब के सेशन जो है आपके रेगुलर रहेंगे ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए मंडे टू फ्राइडे और तब तक के लिए टेक केयर अपना ध्यान रखें बाहर ना जाए अननेसेसरी कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है और रियली जो है सिचुएशन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है और इस बार जो सेकेंड वेव है सेकेंड वेव सबसे ज्यादा डेंजरस होने वाली है एंड इन दिस वेव जो बच्चे हैं वो इतने इम्पेक्टेड नहीं होंगे जो एजिड हैं क्योंकि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है तो उनको भी काफ़ी हद तक वो भी इतने इम्पेक्ट नहीं होंगे जितनी हमारी जनरेशन जो है वो ये कह लीजिए यंग जनरेशन जो है जो आप कहेंगे कि 18 से लेके 40 इयर्स तक के जो हैं वो ज्यादा सक्सेप्टेबल होंगे इस समय के अंदर अगर ये जो सेकेंड वेव है इसके अंदर तो आप अपना ध्यान रखें ऐसा ना सोचें कि हाँ आपको नहीं हो सकता है भगवान ना करे ऐसा हो लेकिन फिर भी जो है अपना ध्यान रखें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो अपना ध्यान रखेंगे ठीक है अननेसेसरी बाहर ना जाएं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें अगर जाना भी पड़ रहा है हाथों को सैनिटाइज करते रहें हेल्थी खाना खाएं जिससे जो आपकी इम्यूनिटी है वो मेंटेन रहे साथ ही साथ में जो कोई भी गर्म ड्रिंक्स हैं वो पीते रहें अगर आपको हल्की फुल्की अपनी तबीयत जो है वो ख़राब लग रही है तो सो थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में शाम को आठ बजे जो हमारा होने वाला है और इसी बीच में मेंस के लिए जो कुछ सेशंस हैं उनके लिए भी प्लानिंग करते हैं कि हाँ मेंस के लिए हम कैसे पढ़ सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम में जाके भागने का कोई सेंस नहीं है और जो टाइमली सारी चीज़ें हम कवर करेंगे ओके सो थैंक यू सो मच टेक केयर बाय बाय